नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या Z अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आइए अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें समूह ग्रुप्स कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त पीरियड्स कहा जाता है। आवर्त सारणी के लंबे रूप में 7 आवर्त पीरियड्स हैं। एक आवर्त में तत्वों की परमाणु संख्या लगातार होती है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं और इसे बहुत छोटी आवर्त वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इन्हें छोटे आवर्त शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और इन्हें लंबे आवर्त लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं और इन्हें बहुत लंबे आवर्त वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² 2n^2 पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोष प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, L कोष दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे चौथे पांचवे छठवे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के लंबे रूप में 18 समूह हैं। इनकी संख्या 1 से 18 है। समूह 1 आवर्त सारणी के बाईं ओर है, जबकि 18 तालिका के चरम दाईं ओर है। समूहों में तत्वों की लगातार परमाणु संख्या नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे।